अतीक के बेटे असद और प्रयागराज कांड के शूटर्स का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो पाताल में भी छुपे हो तो अब उन्हें खोज निकाला जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस की टीमें रेड मार रही हैं, तो इधर 400 किलोमीटर लंबा नेपाल तक चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। पाताल से भी खोज निकाला जाएगा अतीक का लाल। असद के लिए 400 किलोमीटर लंबा चक्रव्यूह हुआ है तैयार। ताज के शहर में असद के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। शूटर्स कहीं भी छिपे हो अब खोज निकालने की पूरी तैयारी। 24 फरवरी को प्रयागराज में जो शूटआउट हुआ उसका कुछ दिनों पहले 32 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि इसी 32 सेकंड के फुटेज में माफिया अतीक के बेटे असद के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, जब उमेश पाल 7 गोलियां खाने के बाद अपने पुराने घर की गली में दाखिल हुआ था, इसी दौरान जिससे वो भिड़ा है वो अतीक का बेटा असद बताया जा रहा है। यही असद उमेश पर करीब से हमला करता है और अगले 32 सेकंड में उमेश पाल की मौत हो जाती है। इसी असद को अब पाताल से भी खोज निकालने की तैयारी है। उमेश पाल की हत्या में शामिल अतीक के बेटे असद और अतीक के शूटर्स की तलाश में आगरा में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा के फतेहपुर सीकरी इलाके में जांच एजेंसियों ने रेड कंडक्ट की है और असद उनके हाथ से बच निकला है। लगातार जांच एजेंसियां और प्रयागराज की कई सारी टीम और एसटीएफ असद के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, लेकिन सूचना ये मिली है कि असद फतेहपुर सीकरी इलाके में छिपा हुआ था, लेकिन जब तक वहाँ टीम पहुँचती वो वहाँ से अपना ठिकाना बदल चुका है। असद और अन्य 4 शूटरों पर 5 लाख का इनाम है और ऐसे में फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अतीक के बेटे असद के करीब पहुंच गई हैं, इसलिए जांच एजेंसियों ने आगरा में ही डेरा डाल दिया है। फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक तलाश की जा रही है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। बताया गया है कि फतेहपुर सीकरी के कहरई से 4 संदिग्धों को जांच एजेंसी के अधिकारी पकड़कर ले भी गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है जो असद का सुराग दे सकते हैं। अतीक के बेटे असद के इसी इलाके में कहीं छिपे होने की सूचना मिली है। हालांकि जानकारी ये भी है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए असद लगातार ठिकाने बदल रहा है। ऐसे में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने असद के लिए प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर भी चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। प्रयागराज से नेपाल तक इसके लिए जाल बिछा रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी मिली है कि बिल्कुल सटीक निशाने पर जब तक टीम पहुंचती उससे पहले ही असद को कुछ इस बात की भनक लग गई कि टीम यहां पहुंचने वाली है और वो उसने अपना ठिकाना बदल दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए प्रयागराज इस शूटआउट मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर फतेहपुर सीकरी और राजस्थान बॉर्डर का वो इलाका है जहां असद और उसके साथियों के छिपने की सूचना सामने आ रही थी और वहां रेड कंडक्ट की गई है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।